हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार महतो और आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ खरवार जनजाति के इतिहास के बारे में और उनकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, उनकी धर्म क्या है, उनके गोत्र कितने होते हैं, ये सभी टॉपिक्स के बारे में। तो वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा, आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप लोगों को बता दें कि खरवार परम्परा के अनुसार खिरीचार से आए थे, इसीलिए ये खरवार कहलाए। खरवार झारखंड की पांचवी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड में इनका मुख्य जमा पलामू प्रमंडल यानी कि पलामू, लातेहार एवं गढ़वा जिले में रहते हैं। इसके अलावा ये रांची, हजारीबाग आदि में भी पाए जाते हैं। खरवार जनजाति का संबंध द्राविड़ प्रजाति समूह से है। संपन्न खरवारों ने कुछ कुलों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं, इसी कारण इनका रंग रूप छोटा नागपुरी राजपूतों की तरह हो गया। तो चलिए अब सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो आप लोग को बता दें कि खरवार जनजाति अंतर्विवाही उपजातियों बहिर्विवाही गोत्रों में बटी हुई है। खरवारों की चार मुख्य उपजातियां हैं, भोक्ता, मांझी, राउत एवं महतो। खरवारों में सामाजिक स्तर पर सर्वप्रमुख निर्धारक तत्व भू संपदा है। जमींदार खरवारों को राजपूत कहते हैं, जबकि सामान्य खरवारों को भोक्ता, मांझी आदि कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रामगढ़ राज परिवार मूलतः खरवार थे। खरवारों में धूमकुरिया, युवागृह जो कि है, जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। खरवारों में बाल विवाह का श्रेष्ठ माना जाता है। खरवारों में वधु मूल्य देने की प्रथा है। खरवारों में बहुविवाह की प्रथा मिलती है। खरवारों में विधवा पुनर्विवाह की प्रथा मिलती है, जिसे संगाई कहा जाता है। खरवार जनजाति में तलाक प्रथा भी प्रचलित है। खरवार ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया या बैगा कहलाता है। चार गांवों की पंचायत को मिलकर चट्टी बनता है। पांच गांवों को पंचायत को पचोरा एवं सात गांवों को पंचायत को सतौरा कहा जाता है। एक से अधिक गांवों के पंचायतों को से मिलकर बने पंचायत के प्रमुख को प्रधान कहा जाता है। तो चलिए अब इनकी अर्थव्यवस्था को जानते हैं। तो बता दें कि खरवारों का मुख्य पेशा कृषि है। खरवारों में कुछ जमींदार हैं जबकि अधिकांश रैयत है। अत्यंत गरीब खरवार खेतिहार मजदूर है। कुछ खरवारों में स्थानीय कोयला खानों एवं सुदूर असम के चाय बागानों में मजदूरी का काम अपना लिया है। तो चलिए अब खरवार के धर्म के बारे में जानते हैं। तो बता दें कि खरवारों का सर्वप्रमुख देवता सिंहबोंगा है। अन्य प्रमुख देवी देवता है मुचुक रानी, दीर्घागीन अथवा पछियारी। मुचुक रानी मतलब कि दुर्गागीन अथवा पछियारी, द्वारपार जो कि है धरती माय देवी, चंडी, दरहा, दक्षिणी आदि। ध्यातव्य है कि खरवारों ने हिंदू प्रभाव के फलस्वरूप कई हिंदू देवी देवताओं को अपना लिया। खरवार धार्मिक कृतियों में ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा लेते हैं, किंतु बलि चढ़ाने के लिए जनजातीय पाहन अथवा बैगा की सहायता ली जाती है। बीमार पड़ने या घोर संकट आने पर खरवार ओझा या मति की सहायता लेते हैं। तो आई होप कि आप लोग खरवार जनजाति के इतिहास के बारे में जान गए होंगे और इनके सामाजिक व्यवस्था क्या है, इनकी आर्थिक व्यवस्था क्या है, इनके धर्म क्या है, इनके गोत्र कितने होते हैं, ये सभी भी आप लोग जान गए होंगे। अगर जान गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले झारखंड से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।